हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लाइफ। तो आइए, मैं लेकर आई हूँ आज चिली पटैटो, तो मिलकर बनाते हैं, देखें मेरी रेसिपी। तो चिली पटैटो बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पटैटो और मैंने लिया है एक कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च कुछ भी ले सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली अरारोट बोलते हैं। तो आलू को मैंने सिंपली कट कर लिया है। आप देखेंगे आलू को मैंने इस तरह से कट किया है, बिल्कुल आपको एक ही साइज में कट करना है, जिससे कि हमारे आधे कच्चे आधे पक्के ना रह जाएं। ये मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं आलू को एक बड़े बाउल में, मैंने आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से छान लिया है। इसको आप कम से कम 2-3 बार वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि इसका स्टार्च निकल जाए। तो इसका स्टार्च निकल जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1, अपने अकॉर्डिंग करना है, वैसे तो 2 स्पून के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्न फ्लोर। टेस्ट के हिसाब से नमक, ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर में ये अरारोट इसके ऊपर कोटिंग कर लेगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, और इससे हमारा जो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप यहाँ पे इसमें तंदूरी कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको रेड कलर के चिली पटैटो चाहिए तो इसमें तंदूरी कलर ऐड हो सकता है। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम होता है, हो रहा है। इतने अपनी चॉपिंग कर लेते हैं। चॉप, आपको जो भी वेजिटेबल इसमें पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, लाइक अनियन, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन। हमें इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे डाल देंगे तो ये डालते के साथ ही रेड हो जाएंगे, तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है।
ये ऑयल हॉट हो गया है, तो मैं एक डाल के चेक करती हूँ। अभी थोड़ा सा ऑयल कम गरम है, यहाँ मैं वेजिटेबल में यूज़ कर रही हूँ अनियन, कैप्सिकम, ग्रीन अनियन जिसे स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं। ये परफेक्टली हो गया है ऑयल हमारा। अभी ने बहुत धीरे धीरे हमें बहुत हल्के हाथ से ही इन्हें चलाना है जिससे कि ये टूटे ना। और एक बात और, इनको ना हमें हाफ फ्राई पे पहले निकाल लेना है जिससे कि ये थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी हों। तो दूसरी गैस पे हम इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं इसकी चिली पटेटो के लिए। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें अनियन डाला है। मेरा अनियन हो रहा है, ये हाफ फ्राई हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लूंगी।
इतने मैंने अपना ये मीडियम फ्लेम कर दिया है। और यहाँ आप देखेंगे ये अनियन भी अच्छे से ब्राउन होने लगी है, गोल्डन ब्राउन हमें इसे करना है। इतने मैं एक सॉस तैयार कर लेती हूँ जो मुझे चिली पटेटो के लिए चाहिए। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 स्पून डार्क सोया सॉस, 2 स्पून टमाटो केचप, 1/2 स्पून कॉर्नफ्लोर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अनियन भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम। ये स्प्रिंग अनियन, अगर आप ये फ्रेंच फ्राइज अगर बॉयल पटैटो के बनाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अपने पटैटो को सिर्फ 60% बॉयल करना है, जिससे कि 60% बॉयल होंगे तो जब हमारे पटैटो को हम फ्राई करेंगे तो वो टूटेगा नहीं और क्रंची उसमें उसमें बना ही रहेगा। तो अब इसको मेरे को जब फ्राई करना है तो मैं एक एक अपने फ्रेंच फ्राइज को उसमें डालूंगी। आप इस प्यूरी में ही चाहे तो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, चाहे आप अलग से डाल सकते हैं, पर मैं इसी में ऐड करूंगी। ये रेड चिली पाउडर, अब आप देखेंगे इसका कलर कितना अच्छा आ गया है।
तो ये चेक करूंगी मैं मेरे पोटैटो हो गए या कच्चे तो नहीं है। ये एकदम क्रिस्पी हैं तो यहाँ मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब मैं ये मेरे फ्राई हो गए हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी सॉस जो मैंने बनाया था। बहुत हल्का सा मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर। ये मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है आप देखेंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये अपने फ्रेंच फ्राइज। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देखेंगे कि पूरे जो मेरे फ्रेंच फ्राइज थे उनके ऊपर सारी जो मेरी फ्राई वेजीज थी वो बिल्कुल कोट हो गई है। आप इसमें हल्का सा ग्रेवी करना चाहें तो जब मैंने कॉर्नफ्लोर वाली इसमें प्यूरी ऐड की थी तो तब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सेम मेथड से ही चिली पनीर मैं बनाती हूँ। तो अब आप सोचेंगे कि मैंने हनी चिली पोटैटो बोला था पर इसमें हनी तो है ही नहीं, तो हनी इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि हनी को हम खाने में ऐड करते हैं तो वो हो सकता है कि वो मुझे या हम सबको नुकसान दे, पर ऐसा नहीं होता है। हनी को अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, मैं इसे फिर सर्व करती हूँ।
तो आप देखेंगे इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगली रेसिपी के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।